अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां धार पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय बोर डाबरा गैंग के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बारे में इंदौर एडीजी वरुण कपूर ने खुलासा किया। उन्होंने बताया कि धार जिला पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मेहनत करते हुए बड़ा गिरोह पकड़ा है। इस शातिर गिरोह के पकड़े जाने के बाद अब धार जिले सहित इंदौर संभाग में भी अपराधों में कमी आएगी। धार जिले में क्राइम ब्रांच की टीम क्राइम ब्रांच प्रभारी संतोष कुमार पांडे के नेतृत्व में शानदार काम कर रही है। टीम ने कई बार मामलों को ट्रेस किया। धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम अपराधियों के लिए यमराज बनी हुई है। जिले की बोर डाबरा गैंग ने न केवल धार बल्कि प्रदेश के कई जिलों और कई प्रदेशों में भी चोरी लूटपाट डकैती जैसी दर्जनों वारदातें की है। एडीजी ने बताया कि क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े इन बदमाशों पर 55 मामले दर्ज हैं। इन्होंने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। पुलिस ने बोर डाबरा गिरोह के 16 सदस्यों को पकड़ा, जिनके कब्जे से बंदूक पिस्टल कट्टा कारतूस सहित धारदार हथियार जब्त किए गए हैं। साथ ही गिरोह के द्वारा प्रयोग की जा रही एक बोलेरो, 4 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। आपको बता दें कि पकड़े गए गिरोह के सदस्यों पर अलग अलग जिलों के अलग अलग थानों में 1,62,000 का इनाम भी घोषित था। आरोपियों से सोने चांदी के आभूषण भी जब्त किए गए, जिनकी कीमत लगभग 3,50,000 रुपए है। गिरोह के सदस्यों ने धार, इंदौर, बुरहानपुर, खंडवा एवं बड़वानी जिले में कई अपराध किए, जिनमें से 39 अपराधों में यह फरार थे। एडीजी ने धार एसपी और क्राइम ब्रांच की टीम की प्रशंसा की और इनाम देने की घोषणा की। यहाँ पे जो इस क्षेत्र में सक्रिय एक गिरोह है, जो बहुत समय से वांटेड था, कई उनपे अपराध भी दर्ज थे पूर्व के, और वो कई अपराधों में फरार भी थे वो, और भोर डाबरा गैंग के नाम से जाने जाते थे। गंदवानी थाना क्षेत्र है धार जिले का, जिसके एक क्षेत्र के ये निवासी हैं सारे, और बहुत लंबे समय से, जैसे मैंने बोला, राजनी के लिए, डकैती और अन्य प्रकार के अपराधों, हत्या के लिए वांटेड थे। टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी मिली पुलिस को कि वो वारदात करने के लिए मनावर क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर प्रभावी घेराबंदी करी गई और कल रात को इस पूरे गिरोह को मैं वाहन में हथियार के एक साथ पकड़ा, जो बहुत बड़ी सफलता है। उसमें 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन 14 लोगों में से 2 तो ड्राइवर हैं, जो वाहन चालक हैं, और बाकी 12 लोग बोर डाबरा के निवासी हैं और सारे खूंखार अपराधी हैं, और जिनके कई इनके ऊपर अपराध दर्ज हैं। इनके ऊपर अभी तक जो पता चला है, 56 अपराध में ये वांटेड हैं, जिसमें जैसे कुछ अपराध तो पूर्व के हैं जिसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, और कुछ अभी वर्तमान के हैं। 39 अपराध पूर्व के हैं जिसमें ये फरार हैं, नामजद हैं, और 17 अपराध करीब लाइव अपराध हैं जिसमें ये अब गिरफ्तार होंगे, जो इनने कबूले हैं। तो इस प्रकार से 56 अपराध की जानकारी तो मिल चुकी है। तो इससे पता चलता है कि कितना सक्रिय गिरोह था ये। इसमें से 19 डकैतियाँ हैं, 6 लूट हैं, 20 नकबजनी हैं, चोरी हैं, हत्या हैं, ऐसे करके ये खूंखार गिरोह है। इसके ऊपर कुल मिला के इस क्षेत्र में अभी तक जो पता चला है, 1,62,000 रुपये का इनाम घोषित है विभिन्न जिलों में। जिन जिलों में इन्होंने वारदात कबूली हैं, उनमें धार, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, देवास शामिल हैं, और कई ऐसे अपराध हैं इन क्षेत्र में, डकैतियाँ और लूट, जिसमें ये ऑलरेडी फरार हैं, जैसे मैंने बोला। तो इनके जो मेन लीडर है, इनका गैंग लीडर, उसका नाम है सदिया पिता भद्दू, ये निवासी है बोरडाबरा का। इसके 2 भाई भी इसके साथ सक्रिय गिरोह के सदस्य हैं, एक का नाम है मेहर और एक का नाम है सोहन। इसके साथ साथ करण और आलम 2 अन्य ऐसे खूंखार अपराधी हैं जो इस गिरोह के साथ पकड़े गए हैं। ये तो 5 मेन लीडर्स हैं इनके। इसके साथ साथ, जैसे मैंने बताया, कुल मिला के 14 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इनसे 3.5 लाख रुपये का सोने और चांदी के आभूषण और जेवरात बरामद हुए हैं विभिन्न अपराधों के, और 4 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 बोलेरो गाड़ी जिससे ये वारदात करने जा रहे थे, वो भी बरामद हुई है। कुल मिला के मशरूका जो बरामद हुआ है वो 12,50,000 का है। हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसमें एक 12 बोर की एक भरमार बंदूक है, एक पिस्टल है, 2 कट्टे हैं जिससे ये अपराध करते थे। तो ये इस गिरोह के पकड़े जाने से क्षेत्र में और पूरे वेस्टर्न मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, निमाड़ का, मालवा का, उसमें अपराध नियंत्रण में बहुत प्रभावी पहल है ये, और उस अपराध नियंत्रण बहुत अच्छे से हो पाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात में भी इन्होंने अपराध कबूले हैं, और वहाँ की पुलिस से संपर्क करके उनके साथ भी मिलके आई एम श्योर कि वहाँ भी इनकी सक्रियता पाई जाएगी और उसमें भी ये गिरफ्तार होंगे। इस पूरी कार्रवाई में
जो पुलिस अधीक्षक धार हैं श्री आदित्य प्रताप सिंह, उनके नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र पाटीदार के साथ मिलके और यहाँ की क्राइम ब्रांच की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, जिनके सब इंस्पेक्टर पांडे हैं और उनके साथ एक एएसआई हैं धीरज और हेड कांस्टेबल राम सिंह और कांस्टेबल प्रशांत सिंह, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने भी टेक्निकल सर्वेलेंस में योगदान दिया है, तो सब मिला के एक बहुत अच्छी कार्रवाई है क्षेत्र में के लिए और इस जोन के लिए भी एक महत्वपूर्ण सफलता है। ये पूरी गैंग एक साथ पकड़ी गई है तो ये तभी इतनी बड़ी सफलता है क्योंकि सारे के सारे एक वारदात करने के तरफ जा रहे थे और पूरे एक साथ पकड़े गए, तो ये तभी एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। हत्या का इनका एक प्रकरण है जो उनका जो यामदा भूतिया जो इलाका है वहाँ का एक उन व्यक्ति था बोबड़ा जो उसका गैंग लीडर था, उसकी हत्या में भी इनका हाथ है। हाँ, ये गाड़ी से बरामद हुए थे उनके कि ये एलिबाई टाइप होती थी इनकी कि यदि कभी कोई रोके, कोई चेकिंग हो, पूछा जाए कि आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो इतने सारे लोग, तो ये एलिबाई टाइप लगाते थे कि हम शादी में पार्ट लेने जा रहे हैं क्योंकि उसमें स्पीकर हैं, कुछ शादी की वो सामग्री टाइप है, लाइट्स हैं, ताकि ऐसा एक कवर मिल सके कि हम तो किसी शादी में आयोजन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो एलिबाई टाइप थे जिसके वो अपना कवर बनाते थे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।